तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वेल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्यूष ज्वेल एंड दिस इज अक्षय ज्वेल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है मेरे भाई लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ और आज हम लोका जिनका एक नया एल्बम आई है और हमने लास्ट टाइम इनके ही गाने पे रिएक्ट करा था। अब हम दोबारा उसी एल्बम का एक और गाना उठाने वाले हैं जिसका नाम है आरोपी। ये गाना बहुत ही कूल लग रहा है। ये भी इस गाने का नाम और इसका फील देख के लग रहा है कहीं ना कहीं लोका अपनी लाइफस्टाइल, अपनी चीज़ों के बारे में इसमें बता रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आज रिएक्ट करते हैं गाइज इस पे। गाना ना मतलब बहुत सही सा लग रहा है, जैसे लोगों ने हमें सजेस्ट भी करा और हमें पता भी चला, तो हम सोच रहे हैं कि नया गाना है, क्यों ना इस पे रिएक्ट करना चाहिए। और वैसे भी लोका आजकल बहुत हिट चल रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग भी चल रहे हैं, तो वापस हम इस गाने पर रिएक्ट करने वाले हैं। सो गाइज, आज एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, लोका मुंबई से बिलोंग करते हैं और वहाँ की जो हसलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की हसलिंग है। लाइक दिल्ली की हसलिंग थोड़ा अलग है और मुंबई की हसलिंग अलग है, तो जो आपके मुंबई के आर्टिस्ट हैं उनका थोड़ा सा जो फील होता है वो अलग टाइप का होता है। तो हम यही देखने वाले हैं कि इस बार वो फील में क्या चेंज लाए हैं या इस गाने में और क्या डिफरेंट लाए हैं वो, है ना, है ना भाई? बिल्कुल। तो गाइस, आज हम लोका पे रिएक्ट करने वाले हैं फिर से एक बार। पिछली बार हमने उनके चमड़ी चाले पे रिएक्ट किया था और इट वाज अ डोप सॉन्ग मैन। बिल्कुल। तो इस बार हम जो जिस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम, जैसे भाई ने बताया, कि आरोपी है। और तो गाइस, चलिए फिर अभी रिएक्ट करते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करिए, उसका नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। और गाइज, हमारा एक पॉडकास्ट भी हमने शुरू करी है नई, और अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो आप उसे स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, जिसका कि एड्रेस हम कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देंगे गाइज। और हमारा फेसबुक पेज भी है विद द नेम हिप हॉप रिएक्टर रेडियो, उसे भी जाके आप चेकआउट करें। और आज हम जिस गाने की बात करें, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आरोपी बाय लोका, परफॉर्म्ड एंड रिटन बाय लोका, प्रोड्यूस्ड बाय सीजे चिराग एंड मिक्स एंड मास्टर बाय कोहार। So guys, time waste kare bina, let's react. So let's react, guys. Shout out, yo, Loka in the house, baby. Aarop, yo. Loka, aaropi. Loka kahan hai? Aaropi. जमा मतलब ट्रैप कलाकारी। मैं नहीं बनना चाहता विक्टिम ब्रो, पर हम हुबे बोलू वक्त पूरे सिस्टम को, मेरे यार खोटे जमा करे अंदर का भी सब। गाइज, इसमें वो पूरी तरीके से, मतलब जो उनके साथ चल रहा है पिछले कुछ समय से ना, उस बारे में वो बता रहे हैं, एक तरह से वही स्टोरी को दिखा रहे हैं, फिर थोड़ा सा पुश बैक भी कर रहे हैं लोगों को जो शायद पुश बैक कहीं ना जिस तरीके से वो इस गाने के थ्रू ना कहीं अपनी इनोसेंस प्रूफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये लोका का डेब्यू एल्बम है, लोका कहाँ है, तो वो कहीं ना मीडिया के थ्रू, मीडिया ने उन्हें सीधे एक एज अ गैंगस्टर पोर्ट्रे कर दिया। हो सकता है यार, एलिजेडली अब जैसा भी जो भी हुआ हो, मतलब उन पे आरोप लगे थे, 8 महीना वो थे जेल में, पर इस गाने के थ्रू वो कहीं ना कहीं अपनी इनोसेंस भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया वालों ने उन्हें जो गैंगस्टर पोर्ट्रे किया, ही इज नॉट। तो वही थोड़ा फील है, तभी गाने का नाम भी आरोपी है। आरोपी है, यस, दैट्स व्हाई। तो
गाइस वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो ये चीजें चल रही है इसकी वजह से माँ को, क्योंकि देखिए पेरेंट्स को तो देखिए दुख पड़ता ही है। एक एक इकलौते पेरेंट्स ही ऐसे वो होते हैं जो जैसे इन्होंने अपने एक रैप में भी कहा कि फादर इनके बहुत जल्दी गुजर गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ एल्कोहलिक हैबिट्स, एंड अब इनकी माँ है इनके साथ तो ये अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, पर कहीं ना कहीं जब वो भी ये चीज़ें सुन रहे तो उन्हें दुख पहुँच रहा है। और ये एक बहुत कॉमन सी बात है, देखिए पेरेंट्स को तो दुख पहुँचता ही है बच्चों पे अगर कुछ ऐसा हो, वही चीज़ बता रहे। तो ये उसके साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, नेम फेम या जो भी मतलब हमें मिल रहा है वो अलग बात है, पर इसी से मैं पैसे कमा रहा हूँ, इसी से मेरे को अपना घर भी चलाना है, अपनी माँ को भी संभालना है, सारी चीजें मतलब एक बहुत रियलिस्टिक वे में बता रहे हैं। स्प्लिट फिलर के भी सीजन में आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर ठीक ठाक फैमिली से आते हैं और ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा नहीं होगा उनका। हाँ जी हाँ जी। अब वो ये हो सकता है कि फंस गए हों किसी के उसमें, उन पर केस लग गया हो या कहीं। अब कई बार ऐसा भी होता है यार, आप गलत टाइम पे गलत पोजिशन पे गलत जगह पे होते हो है ना, और उसकी वजह से आपको भी भुगतना पड़ता है, राइट। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, 8 महीने अभी जेल में बेल पे हैं अभी वो, तो वही सारी चीजें वो इसमें कह भी रहे हैं, अपने कह भी रहे हैं, और वही वो बता रहे हैं कि अपनी हसल बता रहे हैं कि कैसे है, पर रैप से ही मैंने आंसू पहुंचे, ये लाइन भी उन्होंने माने कि मेरे रैप से ही मैंने वो सारी कमियां पूरी करी और वही मैं करता जा रहा हूँ, कमियां भी पूरी करी। और जैसे उन्होंने अगली लाइन में बोला भी है कि मीडिया ने उन्हें पूरा पूरी तरीके से मतलब एक तरह का रॉन्ग पोर्ट्रे किया है, तो वो इस कारण से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैंस जनता को। एक आर्टिस्ट अपने टैलेंट से ही तो बताएगा है ना, वो कैसे बताएगा। वही गाइस चलिए फिर लेट्स रिएक्ट। गुनेगार मेरे यार सारे हमसे आड़ी ले रहे, अगले दिन ये मार खा रहे, मेरे लिए बॉम्ब है तेरे लिए रॉन्ग है, इधर घुसने के पहले तू थोड़ा जान जावे। गुनेगार मेरे यार सारे हमसे आड़ी ले रहे, अगले दिन ये मार खा रहे, मेरे लिए बॉम्ब है तेरे लिए रॉन्ग है, इधर घुसने के पहले तू थोड़ा जान जावे। मैं लॉक्ड अप आने नहीं देंगे बाहर, गोदरूम के ऊपर नीचे परेशानी सर पे सवार, एंटीसिपेट हुआ फेल और मैं जेल में बीमार, अभी पिंजरे में ट्रैप्ड हुआ है कलाकार। ये एल्बम मेरी रेडी है, फैंस मेरे स्टेडी है, मैं एल्बम मोड में ले रहा मोटिवेशन, यहाँ के कैदी से हम स्ट्रीट्स करते वेपन है, हर बार्स मेरे वेपन है, हम अभी भी स्मूथ जब भी करते अपन सेवन है। हूँ मैं खत्म और मैं ही हूँ शुरुआत, जितने आरोप मुझ पे लगे सारे खुराफात, चाहिए कुछ नहीं बस चाहिए सर। वो बता रहे हैं सारा ना अपने बारे में कि भाई मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं वो मेरे खिलाफ चल रही हैं, और मैं एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर हूँ, और मतलब बहुत चीज़ों से जो ये गुजरे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि वो शायद जब जेल में थे वहाँ वो बीमार भी हुए, और उन्होंने वो सारी चीज़ें भी लिखी हैं कि वो बीमार भी हुए हैं, और उसके बाद भी पर वो हसल कर रहे हैं, बाहर आए हैं हसल कर रहे हैं। 8 महीने की दास्तां आई थिंक इस एक पूरी एल्बम में डाल रहे, एल्बम में डाल रहे। एल्बम के बाकी गाने तो अभी हमने भी नहीं सुने, पर एटलीस्ट जो दो गाने हमने सुने, एक तो पिछला वाला तो डिस्ट्रैक्ट था, पर इसमें तो वो टोटली बता रहे हैं कि हाउ ही वाज पोर्ट्रेड एंड हाउ ही आरोपी जो बनाया गया है ना, हाउ ही वाज क्रिमिनलाइज्ड बाय द मीडिया एक तरीके का। अब आजकल अगर आप देखोगे तो जज की जो प्रोसीडिंग है वो तो चलती चलती है, पर जो मीडिया का एग्जीक्यूशन है ना वो प्रोसीडिंग मीडिया ट्रायल्स पहले ही शुरू हो जाते हैं। आप देख लो किसी भी मीडिया हाउस को, वो पहले ही अपने ऐसा दिखाएंगे बिल्कुल जैसे जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। तो वही है गाइस, अपनी दास्तां को बहुत बता रहे हैं और बहुत सही तरीके से बता रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, बेसिकली स्टोरी टेलिंग रैप ही है, और वही चीज वो कर रहे हैं गाइस। लेट्स रिएक्ट। मुलाकात आंखों में आंसू, जब भी जेल में होती मुलाकात, ट्रैप स्टारों में ट्रैप करता भी रैप करने लगा हाल ही में, के टाउन से हम ग्रीन फील्ड चले मोहाली में, लोकेशन डिस्क्लोज पर ट्रैप करे हम गाड़ी में, स्टैश मेरे जींस में और कैश मेरे अलमारी में, गुनेगार मेरे यार सारे हमसे आड़ी करे, अगले दिन ये मार खा रहे, मेरे लिए बॉम्ब है तेरे लिए रॉन्ग वे, इधर घुसने के पहले तो थोड़ा जान जावे। गुनेगार मेरे यार सारे हमसे आड़ी करे, अगले दिन ये मार खा रहे, मेरे लिए बॉम्ब है तेरे लिए रॉन्ग वे, इधर घुसने के पहले तो थोड़ा जान जावे। यो लोका लोका ये सब दिखा रहे हैं, डेलिंग डन ऑल गुनेगार, यो आरोपी फ्रॉम द एल्बम लोका कहाँ है।
बहुत बढ़िया गाइस, मतलब वो स्टोरी टेलिंग है भाई, बढ़िया गाना था, ग्रूवी गाना, बीट बहुत अच्छी है, हुक भी थोड़ा सा कैची है, आपके दिमाग में रहेगा रहेगा। और गाइस ये देखिए एक सीरियस सॉन्ग है, क्योंकि ही इज टेलिंग हिज स्टोरी अबाउट द, मतलब जो ये पिछले पास्ट 8 महीनों से उन्होंने जेल में देखा, जो जो उनके साथ हुआ या जो जो चीज़ें हो रही हैं, जिन चीज़ों से वो गुजर रहे हैं, वही सारी चीज़ें उन्होंने वो बताई है, राइट? तो वही सारी चीज़ें गाइस, गाना बहुत ही मतलब जैसे कहें थोड़ा सा इमोशनल भी है, क्योंकि आप कह सकते हैं वो अपना एक डार्क फेज बता रहे हैं जिससे वो गुजर के आ रहे हैं जेल में यार। और आई थिंक अगर जब ये होता है ना, एक तो सीजनल वो होते हैं कि जो रोज ही जा रहे होते हैं, जब पहली बार आदमी इन चीज़ों में घुसता है ना, जब जेल में जाता है तो वो एनवायरनमेंट देख के ना एक अलग ही ट्रॉमा होता है। हम क्या, और वो कहीं ना वो ट्रॉमा उनके ट्रैक्स में देख रहा है। और गाइस सबसे बड़ी बात है, हम क्या कोई भी नहीं बता सकता है कि क्या गुजर रहे हैं, वो तो वही खुद बता सकते हैं कि व्हाट हैव बीन बता ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें गाइस, तो गाना है गाइस, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुने, थोड़ा सा मजेदार, मतलब ये कोई फन वाला गाना नहीं है ब्रो, ये किसी की स्टोरी है। तो गाइस आप उसी सोच के साथ अगर ये सुनेंगे तो आपको मतलब गाना फील होगा, एक तरह से आप फील कर पाएंगे इस गाने को। तो गाइस गाना आप जाके लोका के ऑफिशियल चैनल पे जाके आप इसे सुन सकते हैं, ये लोका कहाँ एल्बम से ही दूसरा गाना है उनका आरोपी, तो जाके आप इसे जरूर देखें, और हमारे हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पे आके हमारा रिएक्शन भी जरूर चेक करें गाइस। और अब हम वीडियो के समापन की तरफ हैं गाइस, तो हम दोबारा मिलेंगे आपसे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।